मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना महामारी ने हड़कंप मचा दिया है, जिसके चलते एक के बाद एक नए मरीज सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला इंदौर जिले के बेटमा का है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद देपालपुर SGM प्रतुल सिन्हा अपने दल बल के साथ सागौर रोड बेटमा मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज को उपचार के लिए इंदौर के अरविंदो अस्पताल में रेफर किया गया है। कोरोना जिसका कि सैंपल पूर्व में लिया गया था, वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उन्हें अरविंदो हॉस्पिटल भेजा गया है। पूरे एरिया को हमने सैनिटाइज कर दिया है, लोगों को अवेयर करने के लिए फिर से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। यदि किसी भी व्यक्ति ने इसके संपर्क में आए हैं या इनके परिवार के संपर्क में आए हैं, तो उसकी जानकारी तत्काल दिए जाने का अनुरोध किया गया है और कोई भी व्यक्ति घर से ना निकले, इसका अनुरोध भी किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसका वायलेशन करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। जो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।